तो अगर मेरे को किसी पैकेज को इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर इम्पोर्ट इंपोर्ट ना सब अभी फंक्शन मतलब वो जो भी पैटर्न है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है। अब जो पैकेज है उसका मैं नाम लिख दूंगा बेसिकली, राइट, जिसको मुझे यस इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे समझ लो इसको इंपोर्ट करना है अभी के लिए, तो क्या कहते हैं हमारे टर्टल वाले पैकेज को मैंने इसलिए इंपोर्ट टर्टल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूं? उसके बाद मैं डायरेक्ट इसके जो भी फंक्शंस होंगे उसको टर्टल डॉट लिख के उसको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? यस सर तो देख लेते हैं, टर्टल डॉट सबसे पहला क्या लिखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ जो मैंने नहीं बताई, जो कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होती है, कि आईडी तो सब कोई को पता है। ऋतुजा, तुम्हारा भी ये आ रहा होगा, तुम यहाँ पे जब पाइथन सर्च कर रही होगी ये आता है, पाइथन का ये आता है और पाइथन का एक हाँ सर आईडीएल आता है। ठीक है, तो यस एक बार आईडीएल सर्च करना। ठीक है, शुभम, तुम ये अगर यहाँ पे ना मिले ना तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, क्या कहते हैं तुम्हारा, यहाँ पे डायरेक्ट तुम कर सकते हो। ठीक है, बट फोन पे कर रहे हो तो फोन का मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि वो ऑप्शन ओके कहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो सो बेसिकली मेरे में आ रहा है आइडियली आ रहा है, राइट? यस सर ठीक है, तो तुम अगर आइडियली में, मेरा 3.8 अभी करंट वर्जन है, तो आइडियली 3.888 आ गया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्लास होता है जब हम लोग को किसी के बारे में पता नहीं होता है लेकिन हम लोग को उसके बारे में जानना रहता है, तो एक बहुत अच्छा क्लास रहता है, उस क्लास को कहते हैं हेल्प क्लास। ठीक है, तो हेल्प का मतलब क्या रहता है? जब तुमको किसी तरह की मदद चाहिए होती है, राइट? राइट मनोज, राइट ऋतुजा? ठीक है, यस सर तो हेल्प क्लास हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ ताकि, ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प, ठीक है, हेल्प के अंदर हम लोग को जिसके बारे में जानना होता है, समझ लो मेरे को टर्टल के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैंने हेल्प उसके अंदर मैं टर्टल लिखा, एंटर मारा, तो इसने मुझे बता दिया, ठीक है, कि टर्टल का मॉड्यूल रेफरेंस ये है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली पाइथन सोर्स फाइल्स को क्या कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड रहता है पाइथन सोर्स फाइल से। ठीक है, ये जो भी रहता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, टर्टल ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और ये ओरिजिनल लोगो, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, ये सब के लिए यूज़ होता है 1996 से। ठीक है, तो बेसिकली इससे हम लोग को सो पता मुझे चल समझ गया में नहीं आ रहा है ये कुछ है। जब भी तुम मैं यहाँ पे ये कमांड लिख देता हूँ, पहले 1 मिनट, हैशटैग हेल्प और पैकेज का नेम। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, ये तुम्हें बेसिकली ये बताएगा कि ये पैकेज क्यों, ये पैकेज का नाम क्या है, ये पैकेज कहाँ से, तुम इस पैकेज के बारे में ज्यादा जान सकती हो, लाइक इसने एक लिंक दिया हुआ है, राइट मनोज, राइट ऋतुजा? यस ठीक सर है, तो कहाँ से तुम इस पैकेज के बारे में ज्यादा जान सकती हो। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसमें पूरा टर्टल के बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा इसने क्या दिया है, इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये टर्टल वाला पैकेज जो है वो क्या करता है, कि ये ग्राफिक्स पैकेज है, ठीक है, जो कि ग्राफिक्स के साथ काम करने के लिए यूज में आता है, मतलब जब हम लोग को बैकग्राउंड चेंज करना होता है, जब हम लोग को कुछ ड्रॉ करना होता है, ऐसा सारी चीजें करने के लिए हम लोग को टर्टल पैकेज का यूज रहता है। तो ये हेल्प फंक्शन का मत, ग्राफिक्स हाँ, क्या कह रहे हो मनोज? सर ग्राफिक्स का पूरा बताइए सर क्या ग्राफिक्स क्या होता है, राइट? हर चीज जो हम हर कलर चीज जो हम लोग देखते हैं वो ग्राफिक्स होती है। ठीक है, पहले कैसे बताऊं, समझ लो कि हर चीज जो भी तुम देखते हो, एक लाइन के अलावा जो भी तुम्हारी चीजें रहती है, क्या वो ऋतुजा ने हाथ उठाया, सर बताना गेन चाहती हो बताइए ऋतुजा? हाँ सर
बताओ। सर ग्राफिक मतलब हम जो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं और उसको जो पेंटिंग बाद में देते हैं ना, वो जो पूरा होगा तब वो ग्राफिक बन जाएगा। ठीक है, सेम यही बात है। ठीक है, और ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक हम लोग कहते हैं, बोलो मनोज। पर कोई गेम ना। हाँ, जैसे कि गेम में ग्राफिक्स होता है, जैसे तुमने सुना होगा मेरे ख्याल से कि बहुत जन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाला गेम है। जिस गेम का ग्राफिक ज्यादा होता है उस गेम का साइज भी ज्यादा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है कि उसका वीडियो क्लैरिटी, इसका ऑडियो क्लैरिटी, ये सब बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ग्राफिक जितनी किसको कहते हैं? जिसपे, फ्री सॉरी, फायर और मोबाइल इंडिया फ्री फायर, पबजी, ये सब अगर देखोगे तो इसका साइज ऑलमोस्ट 1.5 नहीं तो 2 GB के आसपास का गेम रहता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर तुम कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट गेम उठा लो, ठीक है, वो सबका साइज बहुत कम रहेगा, मुश्किल से 5, 10 नहीं तो मैक्सिमम 100 MB के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्राफिक जितना ज्यादा होता जाता है गेम में, उतना ज्यादा साइजेस की ज्यादा जरूरत लगती है। जब हम लोग टिक टैक टो गेम बनाए तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कमांड लाइन में सारे काम किए। ठीक है, तो कमांड लाइन का कलर ऑलमोस्ट क्या रहता है, क्या कहते हैं, व्हाइट और रेड, सॉरी, व्हाइट और ब्लैक के बीच में रहता है। कमांड लाइन में हम लोग का जो भी कलर रहता है, कमांड लाइन इसको कहते हैं। ये जो मेरा बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है पूरा नीचे वाला टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल, नहीं तो कमांड लाइन, जो भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड में जो कि डिफॉल्ट है उसके अंदर में व्हाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं है तुम कह सकते हो, लेकिन जब हम लोग अभी ये टर्टल को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। एक अलग से विंडो खुल जाएगा जहाँ पे वो अलग अलग ग्राफिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, राइट, कि ग्राफिक्स क्या होता है और हेल्प कैसे यूज करते हैं, राइट ऋतुजा, मनोज? सर। मुझे एक डाउट था, मतलब हम सिर्फ उसको बता रहे थे कि टर्टल के हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट हम तो गेम जब बना रहे थे तो हम सब कुछ दे रहे थे ना उसको कि ऐसा करना वैसा करना, बट यहाँ पे तो हम कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही पाइथन कैसे आंसर दिया। हम लोग ने बोल दिया ना कि हम लोग ने बोला कि हेल्प, मदद करो, किसके रिलेटेड मदद चाहिए, ये टर्टल के रिलेटेड मदद चाहिए। ठीक है, तो बस प्रोग्राम से ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पे से रीड नहीं कर रहा मेरा, कोई बात नहीं। ये शायद यहाँ से भी रीड ना करे तब। ठीक है, एक सेकेंड, उसको बैश में लेके जाना पड़ेगा। तो देखो, जब तुम हेल्प लिखती हो तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है और तुम्हें उसके बारे में जानना है। तो जैसे कि टर्टल में और एक चीज होता है, टर्टल में बहुत सारी चीजें होती है, तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, इसका बारे में मैं बात करूंगा ये क्यों यूज होता है। लेकिन पहले एक बार हेल्प लेके देख लेते हैं कि मुझे टर्टल पैकेज के फॉरवर्ड फंक्शन के बारे में जानना है, तो ये हमें क्या कहता है। अच्छा, सॉरी, कमांड लाइन भी जब तुम यूज कर रही हो तब तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टर्टल नाम के बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले तुम्हें टर्टल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम हेल्प मांग सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे को हेल्प चाहिए टर्टल डॉट फॉरवर्ड को लेके। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि इसने क्या बोला, टर्टल डॉट फॉरवर्ड डैश डिस्टेंस, मतलब ये फॉरवर्ड का फंक्शन का नाम है और ये डिस्टेंस लेता है। ठीक है, डिस्टेंस एक वैल्यू जैसा लेता है और उससे ये क्या करता है, टर्टल को मूव करता है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका ये इसने दिया हुआ है पोजिशन, अगर 0 0 है, 0 0 का मतलब समझ में आ रहा है मनोज हाँ ऋतुजा? सर, मतलब कंप्यूटर एक्स के और हिसाब वाई से एक्सिस, थोड़ा हाँ, फर्स्ट, और ये एक्स और वाई एक्सिस का ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे 0 पोजीशन पे है, वाई एक्सिस पे 0 पोजीशन पे है। तो इसने फॉरवर्ड 25 कह दिया, तो क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस पे 25 पोजीशन पे चला जाएगा और वाई एक्सिस पे 0 पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसने हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो जहाँ पे हम लोग को पता नहीं था अब हम लोग को आइडिया लग गया, ठीक है, फॉरवर्ड कब यूज करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कुछ स्टार्ट करके, क्योंकि ऐसे में तो पता नहीं चल रहा। एक मिनट,
ठीक है। तो और एक चीज है, अगर तुम्हें सारे फंक्शंस को एक ही बार में लोड कराना हो तो और एक ये रहता है, क्या कहते हैं, सिंटैक्स रहता है यूज करने का। लाइक इम्पोर्ट टर्टल भी तुम यूज कर सकती हो, नहीं तो और एक सिंटैक्स रहता है जो कि तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बस, तो अगर आपको इम्पोर्ट टर्टल के जगह पे और एक ये आता है, क्या कहते हैं, बेसिकली कीवर्ड आता है जिसको यूज करके हम लोग पैकेजेस को इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो कि होता है इम्पोर्ट टर्टल। ठीक है, इम्पोर्ट टर्टल, और कहाँ से इम्पोर्ट करना है, मतलब इम्पोर्ट फ्रॉम टर्टल, और क्या इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, इसका आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो इसका मतलब क्या बेसिकली रहता है, ठीक है, फ्रॉम पैकेज नेम, ठीक है, इम्पोर्ट बट फंक्शंस यू नीड, इसका समझ में आया क्या मतलब मनोज ऋतुजा? ठीक नहीं सर। हेलो है, सर। देखो, हाँ सर हाँ आपकी ऋतुजा। वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, मनोज आपको भी कट रही है क्या? नो सर। ऋतुजा आई गेस आपके इनसे कुछ इश्यूज हैं, नहीं अभी सर। आ रही है या अभी भी कट रही है? हाँ सर, अभी आ रही है सर। सब मतलब 2-2 मिनट के बाद में, 2-3 सेकंड के लिए जा रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं स्लो बात करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जब हम लोग नॉर्मल इम्पोर्ट टर्टल लिखते हैं, ये क्या करता है, ये सब कुछ इम्पोर्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब हम लोग को सब कुछ इम्पोर्ट नहीं कराना होता, मतलब जैसे कि हमारे पास सम पैकेज है, मेरे को सम पैकेज के तीनों फंक्शन को इम्पोर्ट नहीं कराना, मेरे को सॉरी सॉरी सम पैकेज के एक ही फंक्शन को इम्पोर्ट कराना है, मतलब समझ लो बस सम वाले फंक्शन को इम्पोर्ट कराना है, तब मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, इम्पोर्ट सम पैक सॉरी फ्रॉम सम पैकेज इम्पोर्ट सम। तो इससे सिर्फ एक ही फंक्शन इम्पोर्ट होगा, तीन फंक्शंस के जगह पे हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन यूज कर पाएंगे। बट जब हम लोग इम्पोर्ट सम पैकेज लिख देते हैं तब सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझने में इशू आ रहा है तो मत समझो, क्योंकि ये ज़्यादा क्या कहते हैं आपका नीड में नहीं आएगा, सब बेसिकली यही यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट टर्टल यूज़ करते हैं। मैंने बता दिया था कि आपको इस बारे में आइडिया रहे। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है मनोज ऋतुजा? नो सर। ठीक है, तो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग ने टर्टल को इम्पोर्ट तो कर लिया, अब टर्टल को रन करके देख लेते हैं। तो कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं टर्टल के लिए, जैसे कि कोई एक नाम बता दो वेरिएबल का नाम, मार्कर ठीक रहेगा ये नाम? हाँ सर। ठीक है, मार्कर का मतलब यही रहता है जिससे हम लोग जिसको यूज करके हम कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मार्कर पेन ये सब सेम रहता है। ठीक है, तो मार्कर इक्वल टू टर्टल, मतलब मैंने इसको बेसिकली इनिशियलाइज कर लिया कि मार्कर क्या है, ये एक टर्टल का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब हम लोग किसी पैकेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई एक वेरिएबल नेम इक्वल टू पैकेज नेम दे देते हैं, तो इसका पैकेज का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। दिस इज हाउ वी मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, समझ लो कि तुम्हारे पास ऋतुजा मनोज के पास ऋतुजा का कॉपी है। ठीक है, ऋतुजा का नोट्स है। ठीक है, तो बेसिकली ऋतुजा का मतलब समझ लो कि मनोज एक अलग लड़का है, ऋतुजा एक अलग लड़की है, ऋतुजा पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है और मनोज नहीं है पढ़ने में ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो मनोज क्या चाहेगा कि ऋतुजा के ये जो पढ़ने वाला क्वालिटी है वो उसमें आ जाए। ठीक है, तो ऋतुजा यहाँ पे क्या हुई, एक ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का मनोज को कौन सा वाला फीचर यूज करना है, पढ़ने वाला फीचर यूज करना है, कह सकते हो क्या कहते हैं, डिसिप्लिन वाला समझ लो फीचर यूज करना है, नहीं तो ओबीडियंट वाला फीचर यूज करना है, ओबीडियंट वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक ऋतुजा मनोज? यस सर। ठीक है, तो मनोज यस मनोज सर। मनोज ओबीडियंट नहीं है इतना पढ़ने में, ऋतुजा ओबीडियंट है, मनोज को ऋतुजा का ओबीडियंट वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो मनोज क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा ऋतुजा के नाम से। ठीक है, ऋतुजा के ऑब्जेक्ट के नाम से, तो क्या होगा, वो एक ऋतुजा का सैंपल बन जाएगा। ठीक है, सैंपल बन जाएगा और उस सैंपल से वो ओबीडियंट वाला फंक्शन काम में यूज कर लेगा। ठीक
ठीक है, तो मनोज खुद ओबीडियन नहीं था, उसके लिए उसने ऋतुजा का ऑब्जेक्ट को लिया, उस सॉरी ऋतुजा के क्लास को बुलाया, उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से फंक्शन को यूज कर लिया। मतलब मनोज डायरेक्टली ऋतुजा को नहीं बोल सकता कि तू अपना ओबीडियंट, क्या कहते हैं, तेरा जो ये ओबीडियंट वाला फीचर है तू वो मेरे को दे दे। मनोज बेसिकली क्या कर रहा है, ऋतुजा का सारा फीचर्स को कॉपी कर रहा है और उस फीचर्स में से अपना एक फीचर ले ले रहा है, सॉरी ऋतुजा का एक फीचर को यूज कर ले रहा है। समझ में इतना आया मनोज ऋतुजा? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रहा है तो और एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि तुमको डॉग के बारे में जानना है कि डॉग में क्या क्या फीचर रहता है। ठीक है, तो डॉग एक क्लास है समझ लो। ठीक है, तो मैंने बोला तो डॉग एक क्लास है समझ लो। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे जाने कि डॉग में क्या क्या फीचर रहता है और उस वो सब क्या कैसे कैसे काम में आते हैं। हम लोग तब तक नहीं जान सकते जब तक हम लोग उस क्या कहते हैं उसके सारे फीचर्स को देख ना ले। हम लोग देखेंगे कैसे, अभी तो मैंने कहा कि हम लोग डायरेक्टली किसी के भी कोड को नहीं देख सकते, मतलब मैं टर्टल का सारे कोड्स को डायरेक्टली नहीं देख सकता, मैं ऋतुजा का सारे फीचर्स को डायरेक्टली नहीं देख सकता, मनोज का डायरेक्ट सारे फीचर्स को नहीं देख सकता, एक डॉग के सारे फीचर्स को बिहेवियर्स को नहीं देख सकता। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा डॉग के क्लास के नाम से। ठीक है, और फिर उस वेरिएबल से मैं चेक करूंगा कि डॉग के क्या 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 कहते हैं फीचर्स रहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का एक कॉपी वाला वर्जन है जिसके पास सारे फीचर आ गए उस क्लास के। अब समझ में आया, मतलब जब हम लोग किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का हम लोग सारे फीचर्स उस ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली एक कॉपी बना लेते हैं एंट्री पॉइंट का, जिससे हम लोग टर्टल में जो सारे फीचर्स थे अब वो मार्कर में आ गए। तो अब अगर मैं इसे प्ले करूं, ठीक है, पहले मैं इसको, तो अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो अभी देखा बीच में हल्का सा एक विंडो आया था, नोटिस क्या क्या ऋतुजा मनोज, कैसा? एक विंडो आ रहा है जब मैं प्ले कर रहा हूँ इसको, एक विंडो आ रहा है और वो चला जा रहा है। नो सर, फिर हाँ ओके, से तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है इसके लिए, मेरे ख्याल से आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो मैं नहीं सर। अभी, हाँ तो एक क्या हो रहा है कि जब मैं मार्कर को कॉल कर रहा हूँ तो मार्कर मेरे को टर्टल के सारे फीचर्स दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया नहीं हुआ है, तो वो आता है, वो पूछता है इसको क्या फीचर चाहिए, मैंने देखा है कि मैंने यहाँ पे कोई फीचर के बारे में तो लिखा है नहीं, तो वो आता है और वो चला जाता है, तुमको पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, तो मैं सर, बट यहाँ पे वो सेकंड लाइन में आ रहा है ना नीचे। नीचे में आ भी रहा है और 1 सेकेंड के लिए मेरे स्क्रीन के सामने भी आ रहा है, 1 सेकेंड के लिए अगर देखोगे एक बट हमें छोटा नहीं सा। दिख रहा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मतलब सेकंड लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन फिल हो रही है, सेकंड लाइन आ रही है, ऐसा दिख रहा है सर। कोई नहीं। तो हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोग स्क्रीन को बुला सकते हैं, हम लोग स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, विंडो डॉट स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं, तो स्क्रीन एक पैकेज है जो कि हमारा क्या कहते हैं, स्क्रीन पैकेज का काम क्या हो सकता है, जब इसका नाम स्क्रीन है तो बेसिकली ये ऑब्वियसली मेरे स्क्रीन का सारा चीज देखता होगा कि मेरा स्क्रीन कितना बड़ा होना चाहिए, मेरा स्क्रीन में अभी कौन से कलर होने चाहिए, राइट ये समझ में आ रहा है मनोज ऋतुजा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा टर्टल पैकेज ड्राइंग बनाने के काम आता है, सिमिलरली हमारा स्क्रीन वाला पैकेज हमारे स्क्रीन को मैनेज करने के काम में आता है। आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रही थी इसलिए मैंने क्या किया, स्क्रीन का सारे फीचर्स को कॉपी करके रख लिया ताकि ये स्क्रीन पैकेज तुरंत ना जाए, ये फ्रीज हो जाए। अब मैं अगर रन करूं तो अभी ये जा रही है, रुक जाओ 1 सेकेंड, मैं इसको फ्रीज कराता हूँ। ठीक है, मैं इसको डन कर देता हूँ। अब दिखा? यस सर। ठीक है, यस तो सर। यही यही बार बार चली जा रही थी। ठीक है, यही बार बार चली जा रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे डन लिख दिया। डन का मतलब क्या है कि तुम लॉक हो जाओ, मेरे सारे काम हो गए, अब तुम पॉज हो जाओ। ठीक है, तो पॉज हो जाओ करने से क्या होता है कि स्क्रीन वैसे की वैसी रह जाती है, एक बार सारा काम होगा और उसके बाद
वो पॉज हो जाएगा।